नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन के साथ। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं और उनके द्वारा सभी को स्वच्छ भारत अभियान जो है उसके प्रति जागरूक भी किया गया और जगह जगह कैंप भी लगाए गए और सरकार ने करोड़ों रुपये जो थे वो इस अभियान को सफल बनाने के लिए खर्चे। लेकिन जम्मू की बात करें, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, तो ये जो नारे हैं आधे अधूरे नारे हैं स्वच्छ भारत अभियान के। इस समय मैं गांधीनगर मेन स्टॉप पर खड़ा हूं और मैं आपको सबसे पहले ये नेम प्लेट जो है ये दिखाऊंगा कि यहां पर इस नेम प्लेट में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक जो ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया जाना था और इसका नींव पत्थर जो था वो 26/4/2013 को जो रमन बल्ला थे उस समय के मिनिस्टर फॉर हाउसिंग हॉर्टिकल्चर एंड कल्चर, उस समय के मंत्री जो थे उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत में है, क्योंकि उस समय इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, ये लोगों के टैक्स का ही पैसा है और ये पैसा जो था वो यहाँ पर बर्बाद जो है वो यहाँ पर किया गया। और फिर इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों को खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है और लोग जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं खुले में शौच करने के लिए। क्योंकि आपको बताते चलें कि जो गांधीनगर मेन स्टॉप का जो इलाका है, अगर मैं इस तरफ अपने सहयोगी से कहूं कि वो एक बार आपको दिखाएं कि ये मेन स्टॉप है और यहाँ पर लोग जो हैं वो अक्सर यहाँ पर गाड़ी का जो इंतज़ार है वो यहाँ पर करते हैं और स्कूली छात्र भी यहीं से गाड़ी में बैठते हैं और उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ये टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ना होने की वजह से। इस तरफ अगर मेरे सहयोगी आपको दिखा सकें तो जो स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं वो अक्सर यहां से गुजरते हैं और गाड़ी का इंतज़ार वो यहां पर करते हैं। लेकिन जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है वो ना होने के कारण लोग जो हैं उनको भारी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। आपको बताता चलूं कि जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो भी बड़े बड़े जो दावे थे वो यहाँ पर करता था, लेकिन यहाँ पर ये दावे जो हैं वो बिल्कुल फेल होते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर करेंगे। सर, 2013 6 साल 3 महीने बीत गए, सिर्फ ये फाउंडेशन स्टोन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है जिसकी बर्बादी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार ये कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन, आज स्वच्छ भारत मिशन इनका ज़मीनी स्तर पे तो कहीं देखने को मिलता ही नहीं। आप देख सकते हैं कि 6 साल हो गए इस कॉम्प्लेक्स, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इन्होंने उद्घाटन किया, मंत्री साहब ने जहाँ पे अपनी प्लेट भी लगाई है, लेकिन जितनी महंगी प्लेट है उतनी भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। और मुझे लगता है जहाँ पे मेन स्टॉप है, सामने आप देखिए कॉलेज है, स्कूल है, और जहाँ मेन स्टॉप है जहाँ पे बसेस गाड़ियाँ रुकती हैं, तो आम लोगों के एक सुविधा का साधन हो सकता था, लेकिन सरकार की यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की भी इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मंत्रियों के क्वार्टर्स हैं, आला अधिकारी रहते हैं, लेकिन उनका भी यहाँ की तरफ कोई भी किसी तरह का भी ध्यान नहीं गया। हम UNT चैनल के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज लोगों से जुड़े हुए इस मुद्दे को उभारा है, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी जो बात है, आम पब्लिक की जो बात है, जो आला अधिकारियों से करके इस मुद्दे को हल करवाएंगे और लोगों के लिए जो सुविधा का साधन बन सकता था इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा के, बल्कि इसका पूर्ण तरीके से निर्माण करा के इसे लोगों को समर्पित करवाएंगे। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी आला अधिकारियों से गुहार लगाएंगे और आपके चैनल का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने आज म्यूनसिपलिटी की नींद से जगाने की कोशिश की और इनको ये चेताया कि 6 साल एक कॉम्प्लेक्स को बनाने में लग गए हैं। तो मुझे लगता है सरकार इस न्यूज खबर को देखते हुए जरूर नींद से जागेगी और लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाएगी। कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि इनका क्या कहना और इनको किस तरह की परेशानी का सामना टॉयलेट कॉम्प्लेक्स होने की वजह से करना पड़ा। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगजीत सिंह है, मैं स्टैंड इंचार्ज हूँ। यहाँ पर आप ऑटो जो है उसके इंचार्ज करते हैं। सर, आप अक्सर यहीं पर रहते हैं इसी चौक? हाँ, यहीं पर रहते हैं। तो सर, जिस तरह से 6 साल 3 महीने पहले इसका नींव पत्थर तो रख दिया गया, लेकिन अभी ये अपनी हालत को रो रहा है ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी आपको आ रही है? रोएगा जी, कोई पूछने के लिए कोई नहीं आएगा तो रोएगा ही है। ऐसे खड़ा कर दिया है इसको, अनकम्प्लीट है। बाथरूम जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, जो पैसेंजर इधर उतरता है उसको भी बहुत परेशानी होती है, जाएंगे कहाँ, ओपन में कर रहे हैं सब, अपनी खुद पूछ। जिस तरह से एक नारा हमारे देश में चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये नारा कहाँ तक सही है इस चौक के लिए और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए? नारा तभी होगा जब भी काम होगा ना, काम होगा सिर्फ VIP के लिए, बाकी जो लोकल आदमी हैं, जनरल हैं, उनके लिए तो ऐसा ही चलेगा, ऊपर में ही चलेगा, जहाँ पर जगह मिल गई तो वहीं कर दिया। बाकी स्वच्छ अभियान तो जो हुआ है अच्छे VIP एरिया में ठीक है, इधर तो ऐसे ही है,
ये देखो हमारे पीछे नालियाँ देखो जी बिल्कुल बंद है, मच्छर इतना है कि शाम को 3-4 बजे के बाद यहाँ पे बैठने नहीं देता। सुबह से काम करने के लिए आते हैं तो शाम को इतनी परेशानी होती है कि जाएँ कहाँ। एक मेरी बात ये भी है म्यूनसिपलिटी वालों को कि यहाँ पे एक फोकस लाइट लगानी चाहिए। शाम को इतनी इधर गैदरिंग होती है, इतनी गैदरिंग है कि कहीं चैन स्नैचर वगैरह को डर होता है। हम कितने देर हम इधर इनके देखेंगे। देखिए अगर आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं उन तक जा रही है तो क्या अपील आप उन्हें करेंगे? हम तो उनको बोलते हैं, एक बार थोड़ी बोलते हैं, हमारे साथ तो ऑफिस है इनका, कितनी बार बोला है। बोलते हैं जी जब टाइम मिलेगा तो कर देंगे, कोई मूवमेंट होती है तो तभी करते हैं, ऐसे ही इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कितना गंदा है देखिए, इधर कैमरा लगा के देखिए आप। जी हाँ, नाराज़गी लोगों की यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है कि जिस तरह से लोगों का पैसा है और लोगों के टैक्स का पैसा है जिसको यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है उसका नींव पत्थर रख दिया गया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया, और आज 6 साल बीत गए लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जो है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य चौक है जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उससे अपील ये की जा रही है कि यहाँ मुख्य चौक पर एक कम से कम लाइट जो है वो लगा दी जाए जिससे यहाँ पर रोशनी हो, क्योंकि शाम को जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी रश होता है, गैदरिंग होती है, और कुछ महिलाएं जो हैं चाहे कोई चैन स्नैचर जिस तरह से पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई थी वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सकें। अगर रोशनी होगी तो अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसे पकड़ा जा सकता है और उसकी पहचान जो है वो की जा सकती है। फिलहाल कुछ और लोग भी हैं इनसे तरह से 6 साल पहले आपसे भी सवाल सेम ही रहेगा, 6 साल पहले यहाँ पर उद्घाटन होता है, नेम प्लेट लग जाती है, उसके बाद इसकी तरफ मुड़कर किसी ने नहीं देखा। और हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, हम स्वच्छ जम्मू की बात करते हैं, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू की बात करते हैं। सर देखिए 6 साल हो गया इसके निर्माण का उद्घाटन किए हुए, 6 साल हो गए हमारी सेंटर में गवर्नमेंट आए हुए, यहाँ पे भी स्टेट में भी गवर्नमेंटें रही हैं, उसके बाद स्वच्छ भारत का अभियान दिए नारा दिए हुए भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन आपके सामने ही हैं 6 साल में मुझे नहीं लगता किसी की नज़र इस पर गई होगी कि हमें इसको भी स्वच्छ करना है। और रही बाथरूम टॉयलेट्स की व्यवस्था हमारे जम्मू में, वो उसकी तो वर्स्ट कंडीशन है, आप किसी भी बाथरूम में जाके देख लीजिए, चाहे विक्रम चौक है चाहे अम्फला है, सब में यही प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है यहाँ ये जो लोकेशन है ये बड़ी पॉश लोकेशन मानी गई है, पुल के इस पार, जम्मू सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पुल के इस पार यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल है, यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ गवर्नमेंट गांधीनगर वुमेन कॉलेज है, यहाँ एक बिजनेस हब है, लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए लोग मैं तो कहता हूँ 10,000-20,000 बंदा गुजरता होगा रोज, जब उनको ये फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट सक्षम नहीं है तो आम बंदे के लिए क्या सोचेगी, रूरल एरिया के लिए क्या सोचेगी। क्या अपील सर आप करेंगे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या खबर उन तक पहुँचती है, क्योंकि अभी उनका यहाँ पर ध्यान जो है वो नहीं आया है? देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पहले तो अभी तो काउंसलर की इलेक्शंस भी हुई हैं, यहाँ मेयर बैठते हैं, डिप्टी मेयर हैं, कॉरपोरेटर हैं, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर खड़ा है, कोई पैसे की कमी ये गवर्नमेंट कहते हैं है नहीं है, लेकिन मुझे इसको देखकर यही लग रहा है कि पैसे की कमी तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज भी किया जा रहा है। अब यही हम म्यूनसिपल से भी यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए ताकि जो आम लोगों की फैसिलिटी है, नॉर्मल फैसिलिटी जो मांग रहे हैं उनको पूरा किया जा सके। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी हाँ, ये थे कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने ये बताया है कि काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है, ये जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये ना होने के कारण, और लोग मजबूर होकर, एक बार फिर से इस तरफ आपको दिखा दें कि इस तरफ ये झाड़ियाँ जो हैं इनका प्रयोग लोग जो हैं वो खुले में शौच जाने के लिए करते हैं, उनकी मजबूरी, लोगों को मजबूर होकर इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा इस जगह का, क्योंकि जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर नहीं बना हुआ है। अब अगर हमारे माध्यम से ये आवाज़ जो है ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक पहुंचती है तो क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आते हैं, इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है इसकी दुर्दशा जो बनी हुई है क्या ये ठीक होती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और फिलहाल इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर अभी जा रहा हूँ, आप देखते रहें यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, मुझे रवि शर्मा को दें इजाज़त, नमस्कार।